हाय एवरीवन, स्वागत है आज एक नई वीडियो में। आज जो आप वीडियो देखने वाले वो मेरे पास है जियो का एयर फाइबर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको एयर फाइबर की जानकारी देने वाला हूँ। जो एयर फाइबर का जो प्लान है ये मैंने 2222 रुपए का खरीदा हुआ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी वैलिडिटी की, तो यहाँ पे जो फाइबर है ये आपका 90 दिन के लिए एक्टिवेट हुआ है। और यहाँ पे आपको मिलता है देखने को, इसमें मुझे 12 कूपन मिले हैं। जब भी मैं रिचार्ज करूंगा इसमें 700 कुछ रुपए का, तो इसमें मुझे हर रिचार्ज में 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, आपका जो एयर फाइबर प्लान है इसमें आपका 1000 GB महीने का मिलता है। अगर हम डेली की अगर बात करें तो इसमें डेली का 33 GB यूज के लिए मिलता है। जियो एयर फाइबर लगवाने से इसमें बेनिफिट ये है, आप इसमें 5G की स्पीड का मजा ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मेरे घर में एक कैमरा लगा हुआ है, मैं कैमरे को इससे कनेक्ट करने वाला हूँ। उसके बाद ये जो एयर फाइबर है इसमें आपको 500 से ज़्यादा टीवी के चैनल मिलने वाले हैं, और जो टीवी के चैनल वो HD में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको दो तरीके से बेनिफिट हो रहा है, और आप इसके वाईफाई से अपना फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने घर में कोई PC का सेटअप है उसे आप यूज कर सकते हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक, मैं आपको दिखाता हूं जियो एयर फाइबर को अनबॉक्स करके उसके बाद लगाने तक की पूरी वीडियो। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे आपके सामने 3 बॉक्स है। यहाँ पे जो पहला बॉक्स आपको देखने को मिलता है लिखा एयर फाइबर होम राउटर, आप देख पा रहे, और जिसके बैक साइड में यहाँ पे इसके फीचर लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। लॉन्ग रेंज बताया गया है, अल्ट्रा HD लिखा हुआ है, सिक्योर है, रेडी फॉर प्ले। अब इसको मैं ओपन करने वाला हूं। जैसे इसको हम ओपन करते हैं, यहां पे आपको इसकी एक इंटरनेट की केबल मिलती है, ये रही जिस तरीके से, और उसके साथ आपको ये तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये रहा जियो एयर फाइबर। और बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरनेट चार्जिंग का पोर्ट और यहाँ पे USB का दिया गया है, कुछ इस तरीके से। और ऊपर की डिजाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। अब इसको रखते हैं साइड में, और यहाँ पे आपको इसका एक अडाप्टर मिलता है, ये आप देख पा रहे हैं, इसको रोकने के लिए दिया गया है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से रुकेगा। और उसके साथ आपको मिलता है इसका एडाप्टर दिया गया है, ये रहा लाइन केबल की तरीके से, इसमें आपको 2 केबल मिलती हैं। और यहाँ पे आपको इसमें बुक्स मिलती है, बुक्स की लंबाई काफी ज्यादा है। बाकी इस बॉक्स में आपका कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, देख पा रहे जो दूसरा बॉक्स है इसके अंदर आपको जो छत के ऊपर आपके लगेगा नेटवर्क के लिए लिखा हुआ है एयर फाइबर ODCPE, ये लिखा है विथ लव फ्रॉम जियो। इसको भी इसको मैं ओपन करने वाला हूँ। जैसे इसको ओपन करते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये नेटवर्क का, ये छत के ऊपर लगाने के लिए आपके इतनी ऊंचाई पे लगेगा उतना नेटवर्क अच्छा मिलेगा आपको। और बैक में आप देख पा रहे हैं इसको रोकने के लिए दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आपकी केबल जाएगी। और ये आपका सी टाइप का जैक है, एक बार आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये रहा और यहाँ पे ये जो केबल जाएगी उसके लिए, और दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इसका पेच वगैरह दिए गए हैं ये रोकने के लिए इसको। और यहाँ पे जियो की एयर फाइबर की बुक्स मिलती है आपको, ये रही। और दोस्तों, आप देख पा रहे हैं आपके सामने तीसरा बॉक्स है, ये आप देख पा रहे लिखा हुआ IPS TV योर एंटरटेनमेंट गेटवे। और इस साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिस्नी हॉटस्टार, यूट्यूब, GTV, सन नेक्स्ट, सोनी लियो और जियो के और भी लिखा हुआ है एंड मोर, बहुत सारे आपको यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं बैक साइड में कुछ इस तरीके से, ये रहा। और यहाँ पे इसके
जिस बॉक्स के अंदर आपको रैम बताई गई 2 GB की रैम है, 32 GB का मेमोरी है और ये 4K एंड HDR सपोर्ट है। वाईफाई डबल बैंड बताया गया है, 802.11ac हाई इंजन जियो गेम्स में दिए गए हैं। यूनिवर्सल इसका रिमोट बताया गया है। अल्टीमेट एप्स जियो स्टोर है, वॉइस असिस्टेंट है, इसको आप अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर आपको HDMI केबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। रिमोट कंट्रोल है, पावर एडाप्टर है, STB है और इस बॉक्स को मैं करता हूँ ओपन। दोस्तों जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इंटरटेनमेंट के लिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे USB के 2 दिए गए, एक इंटरनेट का दिया गया है और ये इसका पावर सप्लाई है यहाँ पे एडाप्टर से, और यहाँ पे आपको उसका एक केबल दी गई है ये रही, और उसके साथ आपको देखने को मिलता है इसके अंदर एक रिमोट देखने को मिलता है। ये रहा रिमोट कुछ इस तरीके से है और दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसके अंदर आपकी 2 सेल पड़ेंगी रिमोट में आपके, ये जियो का रिमोट है और उसके साथ इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक एडाप्टर दिया गया है सप्लाई के लिए, और यहाँ पे आपको एक और केबल देखने को मिलती है, इंटरनेट की केबल है ये। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जियो का एयर फाइबर का राउटर यहाँ पे लगा हुआ है और अभी इसको मैंने ऑन किया है तो ये अभी कुछ सेकंड के लिए इसकी जो लाइट है ये आपकी रेड जलेगी, जब इसमें ग्रीन लाइट जलेगी तो आपका ये प्रॉपर काम करेगा, ये आपका 5G से कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कैमरे का सेटअप लगा हुआ है और इससे मैंने कनेक्शन दे रखा है एडाप्टर का, और इसमें ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इंटरनेट की केबल लगाई गई है जो कैमरे को इंटरनेट दे रही है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 5G है चालू हो चुका है, लाइट जो है ग्रीन हो चुकी है, ये कुछ इस तरीके से कनेक्शन है यहाँ पे इसका लाइट कनेक्शन ये रहा। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक जो ये लोहे की पाइप है इसके अगर मैं लंबाई की अगर बात करूँ तो ये आपकी 20 फुट की है, मैंने इसे छत के ऊपर से, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसका नेटवर्क का सिग्नल है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये भी इसमें जो सप्लाई चालू है, यहाँ पे आपको 2 लाइट दिख रही होंगी ग्रीन कलर की, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर की दोनों लाइटें हैं, अगर ग्रीन कलर की लाइट जले तो आपका 5G चल रहा है, और अगर एक इसमें आपकी ग्रीन और दूसरी अगर येलो जल रही है तो नेटवर्क थोड़ा वीक है, अगर यहाँ पे रेड जलेगी तो आपका 5G नेटवर्क काम नहीं करेगा। और ये आप देख पा रहे जो पाइप की लंबाई है 20 फुट पे मैंने लगा रखी है इतनी ऊंचाई पे इसको, इस तरीके से है ये। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने जियो का सेटअप बॉक्स है और अभी इसको जब मैं ऑन करूंगा तो इसमें जो लाइट है ब्लिंग होगी और यहाँ आपकी ग्रीन लाइट जलेगी तो आपका ये चालू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसकी जो मेन पावर सप्लाई दी गई है एडाप्टर की, वैसे एक इसमें HDMI का पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक आपको इंटरनेट का भी केबल का ऑप्शन मिलता है ये रहा। और अभी जो TV है इसको मैं ऑन करने वाला हूँ, ये आप देख पा रहे हैं अभी जो लाइट है ये ब्लिंग कर रही है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो सेटअप बॉक्स के TV पे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और ये इसका रिमोट है, रिमोट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट नेटफ्लिक्स का ऑप्शन मिलता है, यूट्यूब का है, वोट का है, डिस्नी हॉटस्टार दिया गया है और ये आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ये इसका मेन बटन है, होम लिखा हुआ है और ये आप देख पा रहे लिखा हुआ है Jio TV Plus और इसमें Live TV लिखा हुआ है, और यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे TV पे तो यहाँ पे आपको एक प्रेस लिखा हुआ है टू, आप यहाँ से बोल के भी सर्च कर सकते हैं, ये लिए आपकी बटन है, इसको आपको लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, एक बार देखिए ये देखिए वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ चुका है, अब इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, एक आपको होम का ऑप्शन है और ये आप देख पा रहे हैं मैच का दिया गया, ये आपका रिमोट का है, ये आपकी सेटिंग है, और दोस्तों ये आपका सेटअप बॉक्स है जो वाईफाई को कनेक्ट कर रखा है, ये आपकी प्रोफाइल है, अभी टाइम बता रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ देख पा रहे हैं जो आपका रिमोट है इसको आपको देखिए मैच आ चुका है, और दोबारा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं आपका जो रिमोट है कनेक्ट है, बैटरी लेवल हाई बता रहा है, सेटिंग है ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका नेटवर्क है, ये मेरी प्रोफाइल है,
और मैं अपने साइड में फिर से कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके करते हैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं नेटवर्क दिया गया है, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको जानना है कि आपका जो जियो एयर फाइबर है वो आपको कितनी स्पीड दे रहा है, तो उसके लिए आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो मैंने देखिए आप क्लिक किया और नीचे लिखा हुआ नेटवर्क, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जियो नेट लिखा हुआ है, इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जियो नेट वर्जन बता रहा है। अब यहाँ पे गो लिख के आ रहा है, इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो एयर फाइबर की स्पीड है आपकी डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की दोनों स्पीड बताएगा, क्योंकि अभी जो मेरा प्लान लगा हुआ है ये आपका 2222 वाला लगा हुआ है, जिसमें आपको 30 MB पर PS स्पीड मिलती है, और इसमें एक दूसरा प्लान आता है 3333 रुपये का, उसमें आपको 100 MB पर PS स्पीड मिलती है। ये आपका जो प्लान होता है 90 दिन का होता है, और यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग जो स्पीड है 29.17 दिखा रहा है, और अपलोडिंग जो इसकी स्पीड है उसको सर्च कर रहा है, ये आप देख पा रहे हैं नीचे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपलोडिंग जो स्पीड है ये आपको देखने को मिलती है 28.67, तो जिस तरीके से। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो आपको प्लान मिले हुए हैं एयर फाइबर में, तो उसके लिए जिस रिमोट से आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे चले बटन से, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जियो टीवी प्लस दिया गया है, जियो सिनेमा दिया गया है, जियो स्टोर है, यहाँ से आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और आपको यहाँ पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब और G5, मान लीजिए अगर मेरे को यूट्यूब प्ले करना है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यूट्यूब प्ले हो चुका है, यहाँ से आपको जो भी प्ले करना है प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अपनी एक वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आप देख पा रहे हैं मैंने अपनी वीडियो प्ले की है जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल है। और दोस्तों यहाँ पे जो अभी आप देख पा रहे हैं HDMI केबल के साथ ही जुड़ा हुआ है, और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने जो कैमरा है इनको ऑनलाइन भी कर रखा है, इसके लिए मैं एक बार आपको चेक भी करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसको PC मोड पे कर रखा है कैमरे की सेटिंग को, PC केबल है इसमें, ये आप देख पा रहे हैं कैमरे भी चल रहे हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिख के आ रहा होगा कनेक्ट, ये भी ऑनलाइन कैमरे चल रहे हैं अपने देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ये बाहर के हैं। और यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं इसके चैनल की, तो आपको 550 प्लस चैनल देखने को मिलते हैं TV के। यहाँ पे आप दो तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, एक तो आप वाईफाई इसमें यूज कर सकते हैं फ़ोन में कनेक्ट करके अपने PC, लैपटॉप, और यहाँ पे आपको एक सेटअप बॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे आपको इंटरनेट के साथ आप और भी बहुत सी चीज़ यूज कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू और लाइन केबल के थ्रू यूज कर सकते हैं, आप TV को भी इंजॉय कर सकते हैं 4K में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरा मोबाइल है इसमें भी कनेक्ट है, और साथ में टैब में भी कनेक्ट है वाईफाई, और ये जो वाईफाई इसको मैंने कम से कम 7 से 8 लोगों ने हमने कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद भी ये स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं आपके सामने तीनों राउटर आपके सामने है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। दोस्तों अगर आपको जियो एयर फाइबर की वीडियो अच्छी लगी है और बात करते हैं इसके प्लान की और इसके लगाने तक की पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।